आवाज बेटे बेसिक मीडियम राइट डाउन पर मैग्नेट आयन एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस आयोडाइड आयन बस गिव यू मैग्नीज ऑक्साइड प्लस आयोडीन. दिस यू हैव टू बैलेंस इन द बेसिक मीडियम. चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. हरी आप अभी तक रिएक्शन नहीं लिखी. ऐसे नहीं नॉन मेडिकल होनी. ठीक है प्लस सेवन प्लस फोर माइनस वन जीरो रिडक्शन है ऑफ सेल. ऑक्सीडेशन ऑफ सेल वन नेगेटिव से जीरो जा रहा है. वन नेगेटिव से बैलेंस करो टू. अगर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जीरो जा रहा है एक तो दो कितने जाएंगे विद द रिमूवल ऑफ हो गया. नेक्स्ट आ जाओ रिडक्शन ऑफ सेल पे. रिडक्शन ऑफ सेल. रिडक्शन ऑफ सेल में क्या हो रहा है एम एन ओ नेगेटिव से एम एन ओ टू प्लस सेवन से अगर प्लस फोर जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन. अब बेटे जब एसिडिक मीडियम में करते थे तो जहां नेगेटिव चार्ज था वहां एक्स प्लस ऐड करते थे. ठीक है यही करते थे. मगर बेसिक मीडियम में जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसके ऑपोजिटली साइड ओएच नेगेटिव ऐड होते हैं. समझ आई. बेसिक मीडियम में जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वहां पे उसके ऑपोजिट साइड आपके ओ एच नेगेटिव ऐड होते हैं. ये हमने नेगेटिव चीज डालनी है तो नेगेटिव तो आप ऑपोजिट साइड डालोगे तभी बैलेंस होगी. गेटिंग माई पॉइंट. तो कितने नेगेटिव है वहां पे तो फोर ओ एच नेगेटिव इधर डाल दो. अब यहाँ पे कभी कभी तो ट्रिक चल जाती है और कभी कभी नहीं चलती. क्योंकि देखो अगर हम फोर ओ एच नेगेटिव है तो वहां पे टू वाटर डाल सकते हैं. पहले देखो कि चल रही है ये सही. और कितने हैं ऑक्सीजन कितने हैं सिक्स अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे यहाँ पे कितने हैं तो इससे किसको मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे करो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. अब बाकी क्या आ रहा है आपके पास थ्री टू आर सिक्स आयोडाइड प्लस टू एम एन ओ फोर नेगेटिव प्लस फोर वाटर. रिएक्टेंट साइड पूरी लिखो
फिर प्रोडक्ट साइड को ही लिखो और बैलेंस इक्वेशन बताओ मुझे। वो ही ना आंसर करते हैं, अभी करें बोर्ड पे करें। नेक्स्ट लिखते हो बेटे फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। नेक्स्ट फॉस्फोरस In presence of basic medium giving you phosphine and H2PO2 negative. निकालो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। बेटे के लिए फॉस्फोरस की ही निकलेगी, ठीक है। इन एवरी स्पीशीज आप फॉस्फोरस से ही निकालो, ठीक। अब निकालो पहले फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ हर स्पीशीज में। क्यों है थ्री ए लगे हैं हाइड्रोजन? माइनस फाइव हो सच में, दस का सच में माइनस फाइव प्लस सेवन बेटे। हाइड्रोजन की प्लस टू माइनस फोर, प्लस टू माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन। होगी अब इसको डिवाइड करो, ये प्लस वन है, ये माइनस थ्री है, ये जीरो है। ये जीरो से क्या जा रही है, क्या हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन? वो जीरो से क्या जा रही है, माइनस थ्री, तो क्या हो रही है रिडक्शन। बनाओ दो सेल्स। हाँ फॉस्फोरस ही लोगे बारी बारी, तो फॉस्फोरस गिव यू ऑक्सीडेशन।
पहले रिडक्शन ऑफ सेल करो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, करो रिडक्शन ऑफ सेल। पहले फॉस्फोरस को बैलेंस करो रिडक्शन ऑफ सेल। अरे आप फॉस्फोरस को बैलेंस कर लिए रिडक्शन ऑफ सेल में, तो यहाँ पे हमने फोर लगा दिया होगा, लगा दिया। ये जीरो से क्या गया था माइनस, अगर एक जीरो से माइनस थ्री जा रहा है तो प्लस माइनस ट्वेल्व कर दोगे, ठीक है। अगर एक जीरो से माइनस थ्री जा रहा है तो चार कैसे जाएंगे, चार तीन तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे, यू विल एड ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज बैलेंस करो, नेगेटिव चार्ज सीधा बैलेंस करो ना बेटे, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उतने OH नेगेटिव ऐड कर दो ऑपोजिट साइड। तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड करें तो 12 OH नेगेटिव इधर आ जाएंगे, बेटे सिक्स सिक्स कैसे आप कर रहे हो, जरूरी नहीं है ना इसमें। बेटे देखो तीन हाइड्रोजन तो ये ही रहे हैं और 12 वहां पे है, समझ गया। हमेशा आप वाली ट्रिक नहीं काम आती, मैंने तो पहले देखा करो इसमें। देखो बेटे 12 तो यहाँ ही हाइड्रोजन, 12 थ्री जार फोर थ्री जार 12, 12 प्लस 12 24 का आप लगेगा 12। अब आज ऊपर वाली रिएक्शन पे, अगर एक फॉस्फोरस जीरो से प्लस वन जा रही है और ये हम बैलेंस करेंगे आगे क्या लगा देंगे, फोर, क्योंकि हमने बाकी छोड़ के फॉस्फोरस को बैलेंस करना है, ठीक है। अगर एक जीरो से प्लस वन जा रही है तो अगर चार जीरो से प्लस वन जाएंगी तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगी, अब टोटल नेगेटिव चार्ज इस तरफ कितना है, ये भी मल्टीप्लाई होता एट, ठीक है। फोर इलेक्ट्रॉन का फोर ये जो आगे लगाया है ये भी मल्टीप्लाई होता है, तो एट नेगेटिव चार्ज हो गया। तो एट को बैलेंस करने के लिए कितने OH लगेंगे, अब वाटर देखो कितने लगेंगे, वाटर ऑलरेडी बैलेंस नहीं है, ऐड कर दो बस, अब आप अपनी जैसे ऐड करते हो कर दो। यहाँ पे कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, बस इसको ही 12 बनाना है आपने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटे ये भी चीज ध्यान से देखनी है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर हमने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करते हैं तो जितने OH इधर एक्स्ट्रा होंगे और इतने जितने OH इधर एक्स्ट्रा होंगे वो भी कैंसिल आउट होंगे, मतलब ये कितने बन गए, एट थ्री आर और इधर कितने हैं, तो इधर 12 बच जाएंगे, इधर रहेंगे ही, समझ आई बात। ये भी कैंसिल आउट करते हो, जैसे कि अभी वहां पे सिर्फ वाटर है, इधर तो वाटर है नहीं, वो तो कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 12 OH रह जाएंगे ऑन द, क्योंकि रिएक्टेंट आपको इतना तो मैथ आता है, अगर 3 यहाँ पे भी हो और 3 यहाँ पे भी हो इक्वल टू के, तो 3-3 कैंसिल आउट हो जाता, हाँ वो ऐड हो जाएंगे।
ये हो जाएंगे 3 और 1 4। नेगेटिव, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हमारा बन गया था यहाँ पे 8 3 24, और 24 में से माइनस करें ये 12, तो यहाँ पे बच गए 12, और ये 3 और ये 1, ये बन गया 4, और ये हो गया 12 वाटर, और ये भी बन गया 4 3 12, और ये बन गया 4। आज आपका टेस्ट भी इसी चैप्टर का। चलो एक और इक्वेशन लिखो, एल्बिनियम प्लस नाइट्रेट क्यों ऑक्सीडेशन नंबर भी तो निकालना सीख लिया, तो यही तो है सिलेबस में इसके। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले, हरी आप। अब भी 3 बनेगा बेटे, अगर AlOH4 नेगेटिव है ना ऊपर, इसलिए ऐसा ऐसा। अगर 3 होता तो नेगेटिव, तब भी एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 पॉजिटिव ही आएगी। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, 3s3p3d में OH नेगेटिव रिसीव कर लेता है चाहे तो। अब इसकी +3 ही आनी है, तो भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका एक OH नेगेटिव का कितना होता है? अरे 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 अरे, यहाँ पे 4 लिखो बेटे, 4 4 जी गलत है। ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, ये इसकी क्या हुई, इसकी क्या हुई? चलो बनाओ 2 सेल्स। अगर एक एल्युमिनियम 0 से एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? बेटे
फ्री इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है इसके ऊपर, वन नेगेटिव उधर, तीन इलेक्ट्रॉन का चार नेगेटिव, फोर ओ एच नेगेटिव ऐड करते उधर, कर दो फिर फोर ओ एच नेगेटिव उधर ऐड, तो बैलेंस हो गया, हमें वाटर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बेटे वो तो रिएक्टेंट, वो तो हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट है ना, ये तो बेसिक मीडियम दिखा रहे हो आप। बेटे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोडक्ट है, ओएच नेगेटिव बेसिक मीडियम दिखा रहे हैं। हाँ अगर रिक्वायर्ड आप दोनों में ऐड कर सकते हो, एच प्लस के साथ भी यही है, if it is required then you can add, ताकि नेगेटिव चीज को अगर हमने बैलेंस करना है तो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइट्रेट से अगर अमोनिया बन रहा है प्लस फाइव से माइनस थ्री बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एट, करो एट। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया लेफ्ट हैंड साइड, नाइन, कितने ओएच नेगेटिव ऐड करोगे, किधर कितने वाटर ऐड कर सकते हो उस साइड, कितने हाइड्रोजन है इस साइड, देखो नाइन और थ्री ट्वेल्व है ना, सिक्स एच टू ऐड करो, अब उधर थ्री इलेक्ट्रॉन है या एट इलेक्ट्रॉन है, कितने से क्या मल्टीप्लाई करोगे, अगेन बेटे ओएच को ओएच से कैंसिल आउट करना है आपने, एक्स्ट्रा वाटर को वाटर तो कैंसल आउट होंगे नहीं, एक ही साइड है तो 18 वाटर आ जाएंगे आपको, चलो करो बाकी आपका आंसर क्या आ रहा है। आ गया क्या आ रहा है? चलो कल एसिडिक मीडियम ऑक्सलेट के साथ क्या दिया था मैंने, परमैंगनेट,
चलो करो, वैलेंसीज निकल गई थी आपकी इसकी। COO कितनी वैलेंसी आई थी इसकी, कितनी आई थी? प्लस 3 से कहाँ गया, क्या हुई इधर, क्या हुई? चलो बनाओ दो सर। टाइम हो गया, होगी बैलेंस। देखो बेटे, सी ये देखो बेटे, ये Mn2 4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव बन रहा है, मींस ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है? तो इधर टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 6 नेगेटिव। इधर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 2 पॉजिटिव। तो टोटल आप 8 प्लस एच प्लस ऐड कर दोगे, उसके हाफ वाटर ऐड करके देखिए तो होगे, हो गया ये बैलेंस, ठीक है? इधर कितने कार्बन हैं? 2। पहले इसको 2 बनाओगे। अगर एक पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 4 जा रहा है, तो 2 जब पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 4 जाएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, यही गलती होगी, कर लो फिर ठीक। चलो हमने H प्लस डाल ली, तो हमें वाटर डालने की कोई जरूरत नहीं लगी, क्योंकि हमारे 4 ऑक्सीजन पर H प्लस वहां जाएंगे। वहां पे H प्लस होनी चाहिए, यस, पर हमें डालने की जरूरत ही नहीं है, तो बोला क्यों नहीं? क्योंकि 2 नेगेटिव चार बेटे ऑलरेडी हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 नेगेटिव चार ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं, तो आपको एच प्लस डालने की जरूरत ही नहीं है। टोटल में ठीक है, देखो बेटे 2 कार्बन है, बेटे इधर देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, 2 नेगेटिव चार्ज इधर, 2 नेगेटिव चार्ज इधर, उठ जा फटा कर, रोज आया कर। कोई बात नहीं, निकल मैं टेस्ट में।
पे हम कैसे देखें पूरी कर लेगा पूरी। ऑर्गेनिक अगर प्लस वन की नहीं करी ना प्लस टू में जीरो ऑफ।